अस्सलाम वालेकुम नाजनी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाजनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है आलू पकौड़ियाँ, और बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी आज रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो रेसिपी है ये कैसे बनेगी, इसकी तरकीब क्या है, ये हम लोग जानते हैं मम्मा से कि मज़ेदार से जो सी आलू पकौड़ियाँ हैं वो कैसे तैयार होंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम पका रहे हैं आलू पकौड़ियाँ। ये मैंने आलू काट लिए तीन, ये दो टमाटर ले लिए, ये प्याज ले लिए एक बड़ा सारा, तो ये मैंने पकौड़ियाँ ले ली हैं, ये धनिया हरी मिर्च ले ली है, आधा चम्मच नमक का ले लिया है, आधा चम्मच मिर्च, आधी चम्मच दादरी मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच जीरे का। अब मैं ना प्याज काटती हूँ, फिर इसमें ना घी डालती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं ये सूखी सूखी सी। चलो मैंने कहा ये आज पकौड़ियाँ बना लेते हैं। टमाटर डालूँगी, ब्राउन करूँगी इसे, तो फिर मैं ना आपको दिखाती हूँ सारा बना के। अब मैंने प्याज काट ली है ना, तो हल्का सा इसे ना हल्का सा पका कर, मतलब प्याज़ों को करके फिर टमाटर डाल के आलू डालती हूँ इसमें। ये मैंने बाजार से मंगाई थी पकौड़ियाँ। घी आप अंदाजे से डाल सकते हैं, बस चले बस ठीक है। मोटे से काटे हैं, हमारी वीडियो मुकम्मल देखें और पसंद करें, पूरी देखा करें, शेयर करें, आप हमारा हौसला अफजाई करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। आपको हमारा खाना पसंद आता है तो आप बहन भाइयों को अब मैं ना इसमें ना मिर्चें डालती हूँ, मसाले ये देखते हैं सारे मसाले डाल दिए, मसाले डाल के ना मैं इसे ना भूनती हूँ अच्छी तरह। और देखिए कितना प्यारा कलर है, सही तरह भुने गए हैं आलू, माशाल्लाह कलर कितना प्यारा है। तो आप बनाएं इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़रूर हमारी वीडियो देखा करें, अपने दोस्तों से के साथ शेयर करें, कमेंट किया करें, जो जो आपको कोई पसंद है खाना वो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आप ये भी पकाएंगे देखना, वो मज़े का बनेंगे ये भी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, थोड़े से आलू पक जाएंगे ना तो फिर पकौड़ियाँ भी डाल देंगे इसको। ये देखिए क्योंकि थोड़ा सा गलने के बाद थोड़ा सा पानी होगा ना, फिर पकौड़ियाँ डालेंगे ना, फिर वो पकौड़ियाँ सख्त होती हैं ना, वो नरम भी हो जाएंगी। अब मैं ना इसे ना पके मतलब अच्छी तरह पका के ना ढकती हूँ फिर से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हैं। अच्छा जी, आलू भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई हमारी। अब हम इसमें धनिया हरी मिर्च जो मैंने काटी थी ना वो मैं आपको ना डालते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर हो गया इसका। आप ज़रूर बनाएं फिर हमें बताएं कैसी बनी। एक तो वो पकौड़ों वाली बना लेते हैं ना घर में, पकौड़े बना के, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं आलू पकौड़े घर में।
वो मैं किसी दिन ना आपको बना के दिखाऊंगी। अब ये हमारी हांडी तैयार है, अब मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा बना है, ये घी भी है इसमें। आप बनाएं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं ना रंग बिरंगी चीज़ें, तो वो कहते ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये आप बना के देंगे, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी है, हमने इसको डिश आउट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमने जो आज बनाना सिखाया है आलू पकौड़ियाँ उसकी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फीडबैक देनी है कि मज़ेदार सी जोन से हमने आलू पकौड़ियों की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है वो आपको कैसी लगी है। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआगो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।